हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए आलू और साबूदाना की बहुत ही टेस्टी चकली लेकर आई हूँ, जिसे आप सालों तक स्टोर करके भी खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आलूओं को अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। आलू को हमें ठंडा लेना है और बहुत ज़्यादा मैसी या बहुत ज़्यादा गीले नहीं होने चाहिए। सूखे आलू लेना है, इन्हें ठंडा कर लें अच्छी तरह से। अब हमें इसे अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। आप अच्छी तरह से ही ग्रेट करें, हाथों से मैश ना करें, नहीं तो इनकी मोटी मोटी गुठलियाँ रह जाएंगी। तो आप देख सकते हैं आलू हमारा बहुत ही ज़्यादा ड्राई है और ठंडा भी है। तो अच्छी तरह से हम सारे आलू को ग्रेट कर लेते हैं। आलू हमारे ग्रेट हो गए हैं। अब यहाँ पर हमने साबूदाना लिया है, जिसे हमने 2 घंटे के लिए सोक कर दिया था। तो आलू अच्छी तरह से मैश कर लिया है हमने। अब हम इसमें हमारा फूला हुआ साबूदाना भी डाल देते हैं, कुछ स्पाइसेस डाल देते हैं। जीरा डाल दिया हमने 1/2 टीस्पून, कुटी हुई काली मिर्च डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून, नमक थोड़ा कम ही डालें क्योंकि पापड़ सूखने के बाद नमक ज़्यादा हो जाता है। तो अच्छी तरह से सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये पापड़ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और आप इन्हें बनाकर एयरटाइट कंटेनर में भरकर सालों तक खा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये एक डो के फॉर्म में आ गया है। इसे बनाने में हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हल्का सा ऑयल लगाकर इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा डो बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसे हम 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं रेस्ट होने के लिए। 5 मिनट हो गए हैं और आटे ने हमें बहुत अच्छी तरह से रेस्ट कर लिया है। अब ये एक चकली मेकर ले लिया है हमने। मोल्ड में बहुत ही अच्छी तरह से ऑयल लगा लेंगे और थोड़ा थोड़ा मिक्सचर करके इसमें डालेंगे और हमारी चकलियाँ बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो आप चाहें तो इस तरह से इंस्टेंट भी बना सकते हैं, लेकिन हम स्टोर करने वाली बना रहे हैं इसलिए इन्हें हम इस तरह भरकर इन्हें धूप में सुखाएंगे। अगर आप इन्हें इंस्टेंट बनाना चाहते हैं तो बस आप इसके बाद चकलियों को बनाकर फ्राई कर लीजिए। अच्छी तरह से इसको बंद कर लेते हैं। अब चकली बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक प्लेट ले लिया है। इसे हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। आप इसे प्लास्टिक सीट पर भी बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम इसे राउंड राउंड करके चकली बना लेंगे। पेस्ट बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, नहीं तो चकली बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो ये देखिए एक चकली हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से थोड़ा दूर दूर पर हमें सारी चकलियों को बनाकर तैयार कर लेना है। यहाँ पर मैं एक प्लेट का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप प्लास्टिक सीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, थाली में भी बना सकते हैं। और इन्हें 2 से 3 दिन की धूप लगनी चाहिए, जिससे कि इसे हम काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं सालों तक। तो इसी तरह से देखिए हम बना लेंगे और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। यहाँ पर मैंने नॉर्मल नमक का इस्तेमाल किया है, आप व्रत वाला नमक डालकर इन्हें व्रत वाले पापड़ भी बना सकते हैं। तो ये देखिए बिना किसी झंझट के बहुत ही ईजिली हमारी साबूदाना और आलू की चकली बन गई है। तो इसी तरह से हम सारी चकलियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने धूप में अच्छी तरह से चकलियों को डाल दिया है। अब इन्हें हम 2 से 3 दिन की धूप अच्छी तरह से दिखा देंगे, क्योंकि ये थोड़े से मोटे होते हैं तो इन्हें अच्छी तरह से धूप लगे, जिससे कि ये बहुत ही अच्छी तरह से सूख जाएं। सूखने के बाद हम इन्हें एयरटाइट कंटेनर में भर कर रख लेंगे और जब मन पड़ेगा तब इन्हें हम तल कर खा सकते हैं। तो इन्हें अब हम सूखने देते हैं 2 से 3 दिन की धूप में। तो आप देख सकते हैं 2 से 3 दिन हो गए हैं और हमारे साबूदाना और आलू के पापड़ बहुत ही अच्छी तरह से सूख गए हैं। अब आप इन्हें जब चाहें तलें या फिर एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख दें। तेल को हमने बहुत अच्छी तरह से गरम कर लिया है मीडियम हॉट ऑयल में और इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। और ये बहुत ही स्वादिष्ट हमारी आलू और साबूदाना की चकली बनकर तैयार हो गई हैं। इसी तरह से हम और भी तल कर दिखाएँगे आपको। तो अब आपका जब भी मन करे आप इस तरह से इन्हें एक बार बना लीजिए और स्टोर करके जब चाहें तब आप इनका लुफ्त उठा सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए इन्हें फ्राई कर लीजिए। आपको और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मेरे चैनल में आपको बहुत ही अच्छी और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली रेसिपीज़ देखने को मिलती ही रहेंगी। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी आलू और साबूदाना की चकली। इन्हें घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।